कहते हैं ना कि परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा होता है, वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। शिकार की तलाश में भटकते भटकते वह प्यास से बहुत व्याकुल हो जाता है। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तब वह एक पेड़ के पास जाता है और देखता है कि पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। उसके पास कोई पात्र नहीं होता है। तब वह पेड़ के नीचे पड़ी हुई पत्तियों से एक दोना बनाता है और उस दोने में उस पेड़ की शाखा से टपकती हुई बूंदों को उस दोने में भरने का प्रयास करता है। जैसे ही दोना भर जाता है राजा पीने लगता है। जैसे ही राजा पीने लगता है उस पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता राजा के हाथ पर आकर झपट्टा मारता है जिससे वो दोना नीचे गिर जाता है। राजा पुनः उन पत्तियों को इकट्ठा करके दोना बनाता है और फिर से उन टपकती हुई बूंदों को उसमें भरने का प्रयास करता है। फिर तोता आता है, फिर दोना राजा के हाथ से गिरा देता है। राजा तीसरी बार भी पत्ते इकट्ठा करके दोना बनाने का प्रयास करता है और उस टपकती हुई बूंदों को उसमें भरने का प्रयास करता है। तीसरी बार भी तोता आता है और झपट्टा मारकर राजा के हाथ से दोना नीचे गिरा देता है। तब राजा को गुस्सा आता है और वो चाबुक से उस तोते पर प्रहार करता है और तोता तुरंत जमीन पर गिर जाता है। और इस घटना से राजा के हाथ में वह तीसरा दोना भी नीचे गिर जाता है और झूल जाता है। राजा कुछ थोड़ा सा आगे जाकर उस तोते के पास पहुंचता है और उसे उठाकर देखने का प्रयास करता है जीवित या मृत होता है, लेकिन तोता मर चुका होता है। जैसे ही वह पलट कर पीछे पेड़ की तरफ देखता है तो राजा के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि ऊपर उस पेड़ की शाखा पर एक विशालकाय अजगर होता है, सोया हुआ होता है और उसके मुंह से वो लार टपकती है जिसे राजा पानी समझता है। और उस टपकती हुई लार को राजा उस दोने में भरने का प्रयास करता है। तब राजा को अपनी गलती का पश्चाताप होता है कि ये तोता बार बार मुझे उस जहरीली लार को खाने से रोकना चाहता था और मैंने अपना दुश्मन समझ कर इसे इस पर चाबुक से प्रहार किया और इसे मौत के घाट उतारा। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मन में मन सोचने लगता है कि प्रकृति द्वारा जो भी घटना होती है हमारे साथ वो हमारे अच्छे के लिए होती है। तो परमात्मा जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है।